COVID cell to coronavirus vaccine to begin in Dimahasao. COVID-19 vaccine, namely COVID cell, will be launched in Dimahasao district on 16 January 2021 along with the rest of the country. In Dimahasao, two vaccination sites have been selected by the state, Haflong Civil Hospital and Umrangso CHC. The vaccine will be given phase-wise. First phase will start with the healthcare workers and ICDS staff like Anganwadi worker, supervisor and CDPS. The vaccine will be given in the upper arm 0.5 ml intramuscular in two doses. Minimum of 28 days apart, it is said to be safe and effective. The immunity will start developing after 14 days of second dose. After vaccination also, all protocols of COVID-19 should be maintained like wearing of masks, frequent hand washing and physical distancing of 6 feet. IM लगाएगा intramuscular injection 0.5 ml इसको dosage है वो arm का upper part में लगाएगा तो ये हम लोग को 16 में ये महीना का 16 में launching होगा हम लोग को session site Dimahasao में 10 जगह में दिया लेकिन इस 16 में ओनली दो जगह हफलांग सिविल हॉस्पिटल और उमरांग में होगा सो हफलांग सिविल हॉस्पिटल में हम लोग का बेनिफिशियरीज है 147 और उमरांग में है 261 तो ये तो ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती करके देना है जो को इनका नाम तो है हेल्थ वर्कर लोग का नाम इधर है इतना जन जो हम बताया लेकिन उनमें से विलिंगली आना है आदमी लोग और ये एक बार लगाने से नहीं होगा ये दो डोसेज में आएगा 28 डेज अपार्ट तो कोई सोचता है कि एक लगाने से हमारा इम्यूनिटी हो जाएगा ऐसे नहीं है दो लगाना पड़ेगा सेकंड डोज का 15 डेज जाने से 2 वीक्स जाने के पीछे में उनका इम्यूनिटी ग्रो करेगा इसीलिए दो डोज ही उनको देना है एक लगाने से उसका 15 डेज पहले दूसरा सेकंड आफ्टर 28 डेज आफ्टर 28 डेज हाँ लेकिन second, उनका जो सेकंड डोज हाँ सेम इंजेक्शन को लगाया जाएगा ना हाँ सेम होने लगेगा हाँ सेम इंजेक्शन हाँ लेकिन लगाई गया आज में लगाया कल में हमारा इम्यूनिटी ग्रो कर लेगा ऐसे नहीं है इट वो ग्रो करने के लिए सेकंड डोज का भी 15 डेज लगेगा सेकेंड डोज मिलने के बाद में 14 डेज आफ्टर द सेकेंड डोज में इम्यूनिटी बन जाएगा बट हम लोग वो कोविड प्रोटोकॉल है जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करने लगेगा आफ्टर गेटिंग द वैक्सीनेशन ऑल्सो हैंड वॉशिंग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वो तो कंटिन्यू लगेगा फॉर सम सोशल एंड देन ये वैक्सीन फेस वाइज में दिया जाएगा अभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्लूडेड ICDS staff like Anganwadi workers, Anganwadi helpers, the supervisors and the CDPOs also. तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये टोटल में लेके 1995 वो कोविन एप्स में पोर्टल में अपलोड हुआ है तो देर आर सम फ्यू स्टाफ रिमेनिंग है जो अपलोड हो नहीं सका क्योंकि उन लोगों का मोबाइल नंबर नहीं तो फोटो आईडी नहीं तो सम डॉक्यूमेंट्स नहीं है बोल के सो अभी अपलोड हुआ है कोविन में 1995 जिसको अपलोड प्री अपलोड हुआ उनको ही हम लोग वैक्सीन दे नहीं सकेगा माने प्री रजिस्टर्ड नहीं होने से वी कैन नॉट गिव द वैक्सीन तो वो काम चल रहा है ऑलरेडी मोर देन 90% अपलोडेड हो गया है एंड हेल्थ केयर वर्कर्स दिस इज इन द फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा दैट इज येट इन द सेकेंड फेज देन इनका बाद में 50 ईयर्स अबव विथ कोमॉर्बिडिटी लाइक डायबिटीज है हाइपरटेंशन है नहीं तो दूसरा बीमारी है उनका तो 50 ईयर्स अबव विथ कोमॉर्बिडिटी को होगा थर्ड फेज में देन आफ्टर दैट बिलो 50 ईयर्स विथ कोमॉर्बिडिटी लाइक बिलो 50 ईयर्स कुछ बीमार है उनके साथ में उनको दिया जाएगा इसके बाद में सीइंग द सिचुएशन ऑफ द पब्लिक ना और सीइंग द सिचुएशन ऑफ द कोविड केसेस आई मीन और द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन पब्लिक को दिया जाएगा दैट विल बी वो फेज बाय फेज में वो मतलब चलते रहेगा और इसको क्या क्या मैं जैसे देगा खाली मेडिकल इंस्टीट्यूट में ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो इस में तो नहीं, नहीं, नहीं। जो सेशन साइट दिया ना दोस्तों
आगे जो बताया वही जगह में खाली होगा। लाइक हम लोग का जो कोल्ड चेन पॉइंट्स है ना, जहाँ में हम लोग वैक्सीन रखता है, जहाँ में फ्रिज है, ILR है, आइस पैक बनता है, हम लोग फ्रिज माने वैक्सीन रूम है, जहाँ में वैक्सीन रूम है वहाँ में हम लोग सेशन साइट बनाया है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में 10 सेशन साइट्स है। कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ेगा इसीलिए। और मैडम ये इंजेक्शन जो लगा गया उसका कुछ साइड इफेक्ट ऐसा कुछ है नहीं क्या, कुछ आया नहीं क्या? ऐसे तो हम लोग को बताया कि इट इज वेरी सेफ, जस्ट लाइक वाटर, इतना सेफ है ये। वही बोला। हाँ, बट लाइक जैसे नॉर्मल रूटीन इम्यूनाइजेशन में हम लोग एक्सपेक्ट करता है माइल्ड पेन, स्वेलिंग, नहीं तो फीवर थोड़ा सा मे हैपन, वो भी वन इन अ मिलियन ऐसे बोलता है। तो वी आर ऑलवेज हम लोग को रेडी है फॉर एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट लाइक माइल्ड फीवर, नहीं तो इफ एनीथिंग ना, हम लोग ऐसे नॉट ओनली फॉर कोविड, एनी रूटीन इम्यूनाइजेशन में हम लोग हर टाइम में रेडी है वो एनाफाइलेक्सिस किट बोल के, एक इनकेस इफ देर इज एनी रिएक्शन साथ साथ में मेडिसिन देगा बोल के, वो बॉक्स सब ANM के पास में है, सब इंस्टीट्यूशन में है, सब हॉस्पिटल आर ऑल्सो रेडी इफ इनकेस बाई एनी चांस अगर हो जाएगा तो ना। दिस इज नॉट ओनली विद कोविड, हाँ विद एनी वैक्सीनेशन हम लोग रेडी है फॉर दिस, सो वी आर प्रिपेयर फॉर ऑल दिस, बाई चांस कुछ होने से।